स्वागत है। आइए इसे डालते हैं आज की खबर पर। दीपावली पर्व माँ गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोवर्धन पूजा का पर्व काश्तकार वर्ग से जुड़ा होने के कारण किसानों सहित आम जन में पर्व को लेकर खास उत्साह था। महिलाओं ने घरों के बाहर गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की। दिन में बैलों व अन्य पशुओं को तालाब व नलकूप आदि पर ले जाकर नहलाया गया। पशुओं के आकर्षक बेड़े, गले में घंटियां आदि बांधकर सींगों को रंगा गया, बैलों को सजाया गया। खासकर दीपावली के दूसरे दिन खेखरा पर्व पर बैलों को भड़काने की परंपरा तो पूरे मेवाड़ में सदियों से चली आ रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला कस्बे में गोवर्धन पूजा पर्व पर गायों को भड़काने की अनूठी परंपरा है। इसके आधार पर आने वाले साल के जमाने का अनुमान लगाया जाता है। बेडच नदी के बीच स्थित पुलिया पर पटेलों व ग्रामीणों की हजारों की संख्या उपस्थित थे। खेखरा पर्व पर सफेद गाय सबसे पहले आई। लोगों का कहना है कि आने वाले साल अच्छा रहेगा। इसके बाद ग्वाला खेखरा भड़काने के लिए बांस पर बनी हुई चमड़े की कुप्पी व गेड़ी को हाथ में लेकर गायों के सामने ले जाता है। सबसे पहले भड़काने वाली गाय को ग्वाला दौड़ता हुआ मालिक के घर तक ले गया। रीति रिवाज के अनुसार ग्वाला को भेंट देकर सम्मान किया गया। ग्वाले ने नारायण लाल भील व मंगी लाल भील ने बताया कि गेड़ी करीब 104 वर्ष पुरानी है तथा उसका नाम थाना नाथ गेड़ी है। सालों से चली आ रही है गायों की खेखरों की। आज हमारा सत्ता चालू हो गया, ठेठ ठेठ या परंपरा के भी सात पीढ़ी हुई। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।